देख रहे हैं ये जीएनके में है, उसे रहने वाला एरिया जो आप देख रहे हैं। कितना अच्छा एरिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। गर्मियों के दिनों में आप यहाँ पर आए तो काफ़ी मज़ा होता है, यहाँ का मौसम काफ़ी ठंडा होता है। लेकिन हम सर्दियों में आए, आप पहाड़ देख सकते हैं, वहाँ पर थोड़ी थोड़ी बर्फ़ पड़ी है। और यहाँ पर देखिए यहाँ का मवेशी, देखिए वाव क्या नज़ारा है। यहाँ पर मशहूर है, यहाँ पर सब्जी वगैरह बहुत कुछ लगता है। देखिए यहाँ पर कोई फंक्शन चल रहा है नीचे, देखिए लोगों ने कहाँ कहाँ तक घर बनाए हुए हैं, आप देख सकते हैं कितनी मेहनत लगी होगी ये घर बनाने में। देखिए रफ्तार गाड़ी की थोड़ी स्लो, कितना अच्छा रोड है और यहाँ से बस जा रही है। वाव, ये एरिया जो सुध महादेव जे एंड के चनैनी, चनैनी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, बहुत ही अच्छी जगह है। यहाँ पर एक मंदिर है गॉड शिव जी का, बहुत जाना माना है, वो बहुत पुराना है। वहाँ पर हम जाएंगे, वहाँ पर वीडियो बनाने की इजाज़त नहीं है, तो इसलिए हम बार बार से पहाड़ आपको दिखा रहे हैं। देखिए गर्मियों में यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा होता है। देखिए और यहाँ पर लिखा गया है कि शुद्ध महादेव 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर लेफ्ट कर्व मोड़ है। देखिए कितनी अच्छी जगह है, ये है मानतलाई जो कि जेएनके में है। यहाँ पर आप आओगे तो आपको पता चलेगा यहाँ की ब्यूटी के बारे में, यहाँ के वेदर के बारे में, कब ठंडा कब गर्म कब बर्फ गिरती है यहाँ पर। हम आपको दिखाएंगे पुराने जमाने की तो जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पर आपको दिखेंगी, ये हर किस्म की यहाँ पर आपको गाड़ी मिलेगी, सब कुछ दिखाएंगे, सिर्फ आप हमारे साथ। देखिए आश्रम बना हुआ है, काफी पुराना है। देखिए ब्यूटी, ये योग आश्रम, यूपी से लोग यहाँ पर आए, आप देख सकते हैं आप। और देखिए मंदिर है यहाँ पर, और यहाँ पर एक जू है, जू वाइल्ड लाइफ जानवरों के लिए बना हुआ है, शायद कोई जानवर दिख जाए तो। देखिए ये पुरानी गाड़ी है जो हम आपको बता रहे थे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सबसे पुरानी गाड़ी हम आपको दिखा रहे हैं। इसके टायर जो कि कोई ले गया है, इसकी हेडलाइट वो भी कोई ले गया है, लेकिन नंबर तो इसका है ही नहीं है। स्टेयरिंग भी कोई ले गया है, गियर बॉक्स वगैरह सब कुछ यहाँ से गायब है। और ये गाड़ी आप देख सकते हैं यहाँ पर, काफ़ी अच्छी गाड़ी है, इसे मॉडिफाई कर सकते हैं।
इसका बोनेट कोई ले चुका है तो इंजन लेने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। इंजन देख सकते हैं काफ़ी पुराना है, यह मारुति का इंजन है, मारुति सुजुकी 800। और आप इसका स्टेयरिंग देख सकते हैं, इसकी बैक साइड भी आप देख सकते हैं कितनी पुरानी है, इसके टायर तो नहीं है लेकिन अभी भी इसका स्टेयरिंग काम कर रहा है। देखिए ये रोटेट हो रहा है, इसका मतलब ये काम कर रहा है, इसे कहते हैं कंपनी। और इसकी जो डोर देखते हैं ये अभी भी देखिए बंद हो चुका है, अभी हम इसे ओपन करेंगे। ये ओपन हो चुका है और बीच में देख सकते हैं आप काफ़ी बुरी हालत हो चुकी है इसकी। और ये टैंकर लोड कैरियर, सॉरी जिसे टिप्पर कहा जाता है, तो इसके भी अभी तक हालात थोड़े से ठीक हैं। और इस गाड़ी के इसकी भी लाइट्स कोई ले गए, इसके टायर देखिए अभी तक भी ठीक है। और इसका स्टेयरिंग तो नहीं मिलेगा आपको यहाँ पर, ये पुरानी गाड़ी है, सबसे पुरानी गाड़ी जो शायद अंग्रेज़ों के टाइम की बनी हुई गाड़ी है, आप देख सकते हैं। और इसके कुछ गियर बॉक्स वगैरह हमें तो कुछ इसका मालूम नहीं है, स्टेयरिंग ही नहीं जिसका दिख रहा है तो उसका हम क्या बता सकते हैं आपको। तो देखिए ये रही दोस्तों सबसे पुरानी गाड़ियाँ जो अंग्रेज़ों के टाइम की हैं शायद, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर। ये लोकेशन कहाँ की है ये हम आपको नहीं बता सकते, ये सीक्रेट है, बस आपको हमने ये दिखा दी है जो गाड़ी हैं, बहुत पुरानी गाड़ी हैं। लेकिन इस सब गाड़ियों में से हमें सिर्फ एक ही गाड़ी पसंद आई जो कि थी मारुति सुजुकी 800, जिसे सल्यूट कर सकते हैं। दोबारा दिखाने वाला हूँ आपको कि जिसका स्टेयरिंग अभी भी काम कर रहा है, आप यहाँ से देखिए, देखिए रोटेट कर रहा है, ये चल रहा है अभी तक, ये अच्छी बात है। तो बाय बाय दोस्तों, तो आप देख सकते हैं पीछे से हम इसकी पूरी फोटोस ले लेंगे। तो आइए हमारे साथ, आज हम आपको बताएंगे पुरानी गाड़ी जो है मारुति 800, आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी हालात आप देख सकते हैं। और इसका स्टीयरिंग अभी भी वाह, यहाँ ये काम कर रहा है दोस्तों, इसे कहते हैं कंपनी, मारुति सुजुकी द बेस्ट। देखिए कितनी पुरानी गाड़ी है, अभी भी इसका इंजन काम नहीं कर रहा है लेकिन स्टीयरिंग काम कर रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं आप ट्रक देख सकते हैं कितने पुराने हैं, इसका बोनट खोलकर देख सकते हैं, वाओ ये भी बढ़िया है, कितनी खतरनाक आवाज है। और ये जीप पुराने जमाने में कैसे से चलाते होंगे। स्टीयरिंग देखिए, इसका स्टीयरिंग नहीं है दोस्तों, यहाँ से आइए। और इसे क्लोज कैसे करते हैं, अच्छा यहाँ से पेज है। और ये डैशबोर्ड स्पीडो दोस्तों हमारे साथ आप देख सकते हैं, यहाँ पर इस समय पुरानी पुरानी गाड़ियों के पास हूँ। ट्रैक्टर देख सकते हैं आप, इसकी जो बॉडी नहीं है, और आप आसपास भी देख सकते हैं कितना अच्छा एरिया है। ये जहाँ पर हम हैं अभी, इसे मानतलाई कहा जाता है, जो कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था। ये इंजन जो है, जो एक जहाज का इंजन है, काफ़ी पुराना है, यहाँ पर एक हादसा हुआ था जिसके कारण जहाज यहाँ पर क्रैश हो चुका था, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये अभी भी रोटेट कर रहा है, इसकी अगर बताएं आपको कि ये कौन सी कंट्री ने ऐसे बनाया इसका इंजन, तो मेड इन कुछ लिखा होगा लेकिन यहाँ पर तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। इंजन देख सकते हैं आप, और ये पुरानी जीप, जीप का फैन अभी भी चालू है, देखिए ऑल इज गोल्ड, ये काम कर रहा है। और ये जहाज के कुछ विंग्स, जिसे विंग्स कहा जाता है, उसके जहाज के विंग्स हैं यहाँ पर, ये बड़ी पुराने हैं। और ये जहाज के टायर के रिम है जो, और ये जीप देखिए,